हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पर। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको थोड़ी देर बाद अभी एक ऑडियो सुनाऊंगा। उससे पहले इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सुन लीजिए कि मैंने हमेशा इस बात को जज किया है क्योंकि मेरे पास बंगाल से बहुत सारे कॉल्स आते हैं और बंगाल से मेरे पास जो कॉल आते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कॉल होते हैं, मैं कहूँ 99% कॉल जो होते हैं वो लेडीज के होते हैं, लड़कियों के होते हैं, औरतों के होते हैं। अब ऐसा क्या है कि बंगाल में सबसे ज्यादा लेडीज के साथ फ्रॉड होता है? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जो बंगाल के लोग होते हैं वो नेचर वाइज जो होते हैं वो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। उनके साथ जो फ्रॉड होता है, स्पेशली लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, और जब वो मेरे वीडियोज को देखती हैं तो मुझे कॉल जरूर करती हैं। तो जो मैं आगे आपको वीडियो अभी ऑडियो सुनाने वाला हूं उसमें मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, उसमें एक लड़की है, उस लड़की का मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा। उसके साथ क्या हुआ कि उसको एक पाकिस्तानी लड़के ने उसको पहले अपने प्यार मोहब्बत की बातों में फंसाया और प्यार मोहब्बत की बातों में फंसाने के बाद उसको फिर धमकियां देना शुरू किया। अब ये पूरा सिलसिला कैसे हुआ वो आप सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आप फ्री हो? हाँ, अभी फ्री हूँ। आप कहाँ से बोली और क्या नाम है बताइए? मेरा नाम सया है, मैं बांग्लादेश से हूँ। ओके जी सर। ओके, बताइए क्या ट्रेजेडी हुई है आपके साथ? ट्रेजेडी मतलब कुछ दिन पहले मेरे फेसबुक अकाउंट पे एक लड़का, वो पाकिस्तानी गाय है। ओके, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट और मैं रिप्लाई नहीं करती आसानी से। फिर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बोर हो रही थी, रिप्लाई कर दिया। दो तीन दिन से मैसेज कर रही थी, फिर मैं बोला क्या बोलना है आपको। वो उसने भी उसके मीठी मीठी बातों से पता नहीं कैसे मुझे कन्विंस कर लिया। फिर दो तीन दिन बाद उसने मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया। ओके, फिर हम कभी कभी बात करते थे। फिर अचानक एक दिन मैंने दोपहर में बोला मुझे शावर लेनी है तो मैं जा रही हूँ शावर लेने, बाद में बात कर। और फिर वो बोला कि तुम फोन लेकर जाओ। जीत कर रहा था, बहुत जीत कर रहा था। फिर उस पर भी मुझे ट्रस्ट भी आ गए थी और पता नहीं मुझे भी क्या हो गया था। फिर मैं वॉशरूम ले गई थी थोड़ी देर, एक मिनट शायद। फिर उसके बाद से उसका बात करने के स्टाइल ही चेंज हो गए। वो मुझे धमकाने लगी कि तुम ये दिखाओ वो दिखाओ। उसके बाद मैंने और कुछ देखा, मुझे कहीं ना कहीं शक हो गया। उस फोर्स करती, पहले तो वो धीरे धीरे से बात करती थी कि दिखा दो ना, ये ना वो करो ना, मैं मना करती थी। पर उस दिन शावर के टाइम के बाद उसने दिखाना पड़ेगा, तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करूंगी ये वो ऐसे ऐसे दम। फिर कल मैंने उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया, उठाया नहीं। okay. फिर रख दिया मैंने। फिर उसने मैसेज पे मैसेज करते रहे, क्या है तुम क्यों तंग कर रही हो। फिर मैंने कुछ आंसर नहीं दिया। मुझे पता चल गया, उसने कल सुबह मुझे बोला कि तुम अपना सर से लेके पाँव तक मुझे फुल वीडियो भेजो। तब मुझे पता चल गया कि ये इंसान तो मुझे ब्लैकमेल करने वाला है। okay. उसने डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं बोला कि मैं ब्लैकमेल करूंगी ये वो, कुछ नहीं बोला। अभी मुझे वो मैं कर रही है, तंग कर रही हूँ ना मुझे, मैं जो चाहती हूँ दे, अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ। okay. ये तो इनडायरेक्टली ब्लैकमेल ही है ना। राइट, तो मुझे बहुत डर लगती है, पता नहीं वो क्या। उसने अभी तक आपका कोई वीडियो बना के आपको दिखाया है कि हाँ ये वीडियो है मेरे पास? नहीं दिखाया उसने। जब वो शावर की टाइम के बाद मैंने उसके पूछा क्या आपने स्क्रीनशॉट या वीडियो, तो ने बोला मैं अपनी मम्मी का कसम करती हूँ मैं कुछ नहीं बनाया। तो मुझे ट्रस्ट नहीं है फिर भी। okay. उसके बाद जो चेंज हो गया, मुझे लगता है कहीं उसने वीडियो और स्क्रीनशॉट ले लिया हो। okay. ऐसा लगता था मुझे। इसके बाद मैंने उसके साथ बात करना कम कर दिया। उसने बार बार बोलता था ये करो वो करो, वीडियो कॉल करके देखा हो ये करो, फोर्स करना शुरू कर दिया उसने मुझे। okay.
तो अब मैं 2 दिन से बात नहीं कर रही हूँ, वो बोल रहे तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ ये सब। तो बट अभी उसने आपको वो कोई भी फोटो नहीं भेजा, आपको कोई वीडियो नहीं भेजा, केवल धमकी दे रहा है, राइट? हाँ कुछ नहीं भेजा, ये भी नहीं कह रहा है कि मैं आपको ब्लैकमेल फोटो वीडियो इसकी कोई बात नहीं की है, ये बोल क्या कर सकती हो तुम्हें पता है तो आपने पूछा नहीं कि तुम क्या 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 कर सकते हो, मतलब धमकी दे रहे हो तो क्या करना मैंने चाहते हो? मैंने कुछ नहीं बोला, डर से वो उसको ब्लॉक कर दिया मैंने, कुछ नहीं कहा मैंने। तो आप करती क्या हो वैसे? वैसे मैं अभी कुछ नहीं करती। मतलब आपका एजुकेशन क्या है, कितना है, एज क्या है आपकी? अभी मैं इंटर कंप्लीट की हूँ, इंटर कंप्लीट करने के बाद अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। तो वो आप बांग्लादेश में और वो पाकिस्तान में, राइट? हाँ जी, वो तो अब रहते हैं दुबई, कौन रहता है दुबई? वो लड़का तो आप तो वो अभी थोड़ी देर पहले कह पाकिस्तानी रहे थे है। वो पाकिस्तान से है। हाँ पाकिस्तानी है लेकिन स्टे करता है दुबई, तो आपको कैसे पता कि वो दुबई में स्टे करता है? उसने बोला उसकी प्रोफाइल में लगा हुआ है, ये मुझे नहीं पता। वो कई बार वीडियो कॉल की ना, मुझे व्यूज देखी है, वो दुबई का ही है। लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए कि जिस नंबर से वो आपको कॉल करता है, क्या वो दुबई का नंबर है? नहीं, वो पाकिस्तान का नंबर है। हाँ, तो इसका मतलब वो लड़का झूठ बोल रहा है ना, वो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है। फिर अच्छा हो सकता है ऐसा। वो झूठ बोल रहा है कि मैं दुबई से कर रहा हूँ, क्योंकि कॉल पे जो नंबर आएगा वो तो दुबई का ही आएगा ना। आप बंदा जहां पे बैठा होगा वो वहीं से ही कॉल कर पाएगा ना। मैंने उसको पूछा था आप तो दुबई में रहते हो फिर पाकिस्तान का नंबर, तो उसने बोला कि ये मैं उधर जब रहती थी उस वहां से मैंने ओटीपी लगाया था फिर चेंज नहीं किया। अच्छा, हो सकता है वो लड़का झूठ बोल रहा हो, वो पाकिस्तान से ही हो। हो सकता है। तो देखो, अभी ओवरऑल में मैं बताऊं तो अभी डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो आपको धमका भी रहा है ना, जी तो आपको डरने की हाँ जरूरत जी, नहीं है। उसका रीजन उसको ये मैंने है। फेसबुक से ब्लॉक कर दिया, हाँ अभी मुझे डर लग रहा है। और मेरा फेसबुक में है ना, मतलब जिस फेसबुक आईडी से उसके उसके साथ मेरा कांटेक्ट है, वो ओके मेरे फ्रेंड और फैमिली कुछ भी नहीं है उस में, ओके बस कुछ अननोन फ्रेंड्स है, वो कुछ नहीं जानते मेरे फैमिली के बारे में, कुछ कुछ भी नहीं जानते। तो कोई इशू नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। अंटिल जब तक कि वो आपको कोई प्रूफ नहीं देता कि हाँ ब्लैकमेल करने का, कि उसके बाद आपके कोई स्क्रीनशॉट है या फिर कोई वीडियो है। अभी हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, कि हो सकता है किसी दूसरे नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। तो जब भी वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है आपको दोबारा से, तो एक बार आप मुझे तब बताना। अच्छा, और क्या मैं टिल उसको ब्लॉक, हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं आप उसको ब्लॉक कर दो, कोई इशू नहीं है। क्या। आप उसको ब्लॉक तो कर ही दो, क्योंकि ब्लॉक नहीं करोगे तो वो अननेसेसरी आपको परेशान करता रहेगा। अच्छा, उसके पास अगर वीडियो होगा वो कहीं छोड़ तो नहीं सकते। उसके पास अगर वीडियो होगा तो वो सबसे पहले वीडियो आपको ही दिखाएगा। हाँ मुझे ना लगता है ये हो सकता है, क्योंकि उस दिन तो मैं 1 मिनट के लिए सामने आई थी, तो अगर नहीं होगा तो मुझे ऐसे नहीं करता अभी अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी आप परेशान भी मत हो। अभी उसका फोन अगर आता भी है ना किसी और नंबर से, आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जी। आप उसको यही बोलो कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, ठीक है? हाँ, अच्छा अभी कुछ भी डरना नहीं। अभी आप उसको यही बोलना कि तुम्हें जो करना है कर दो। वो ये हो सकता है ये आपको बोले कि तेरा वीडियो मेरे पास है, मैं वायरल कर दूंगा, तू देख मैं क्या क्या करता हूँ, तुझे बदनाम कर दूंगा। तो उसको बोलना कि ठीक है, तेरे पास अगर वीडियो है तो तू वायरल कर दे जाके, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। मतलब डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? और अच्छा उसको अच्छा इस तरीके से मतलब बात को ट्रिकी वे में करना कि अगर उसके पास वीडियो है तो वो आपको जरूर सेंड करें।
मतलब उसको क्या मैं व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दूं या खुला रखूं उसको? व्हाट्सएप अपना ऑन रखो, कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा व्हाट्सएप ना बंद कर दो, कोई इशू मतलब ऑन रखो, कोई इशू नहीं है। बट उस बंदे से यही बोलो कि तुझे जो जो करना है वो कर ले जाके, और तेरा मेरा वीडियो भी अगर तेरे पास है तो जा वायरल कर दे। और पहली बात तो है नहीं तेरे पास, और अगर है तो मुझे भेज के दिखा। तो वो उससे एविडेंस लेने की कोशिश करो, वो खुंदस में आके ना वो एविडेंस जरूर देगा कि देख मेरे पास ये तेरा पिक्चर है, ये तेरा वीडियो है, वो सेंड जरूर करेगा आपको। तो पहले तो उससे एविडेंस लेने की कोशिश करो कि एविडेंस है उसके पास कि नहीं है। अच्छा, अगर एविडेंस हो गया तो, एविडेंस अगर होगा उसके पास तो फिर मुझे एक बार बताना, फिर मैं बताऊंगा दोबारा से कि क्या करना है आगे। अच्छा सर, ठीक है, है ना? अच्छा सर, वीडियो वायरल तो नहीं होता ना सर? आप मैं आपको बताऊंगा, मैं वही बता रहा हूँ ना, पहले आप उससे बातों बातों में वीडियो लेने की कोशिश करना, लेकिन ज्यादा लंबी बात भी मत करना। पता चला उसको ये लगे कि ये तो बात जानबूझ के कर रही है मेरे से, तो पहले उससे वीडियो लेने की कोशिश करना बातों बातों में, और धमकी भी साथ साथ देती रहना कि तुझे जो करना जा कर ले, या कि मैं डरती नहीं हूं ऐसी धमकियों से। अगर तू मेरा वीडियो वायरल करेगा तो तू जेल भी जाएगा, मेरी इतनी अप्रोच है। जी सर, ठीक है, इस तरीके से उससे बात अच्छा। करना, और पहले उससे एविडेंस लेने की कोशिश करो। अगर उसके पास वीडियो है तो वो भेजेगा वो वीडियो, फिर मुझे अगर उसके वीडियो और फोटो है तो फिर वो मुझे एक बार भेजना, मैं देख के बता पाऊंगा कि वो वायरल होगा या नहीं होगा। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, बिंदास रहो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके, सलाम वालेकुम। तो आपने इस पूरे ऑडियो को सुना, और सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो बंदा था वो कितना शातिर दिमाग का था। पहले उस लड़की के साथ उसने दोस्ती करने का ट्राई किया, उसके साथ जब दोस्ती हो गई तो उसने उसको बोला कि तुम अपने आप को मुझे न्यूड दिखाओ, और इस तरीके से कहीं ना कहीं लड़की को उस पर बिलीव हुआ, और लड़की भी कहीं ना कहीं इस तरीके से मैं कहूंगा कि 50-50 कुछ रुझाव में आ गई, और उसने कुछ इस तरीके के केस को अंजाम देना चाहा। बट ओवरऑल में मैं बात यही करूंगा कि कभी भी इस तरीके का केस आपके साथ होता है, कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे किसी और देश का हो, अगर आपको शुरुआती मीठी मीठी बातों में अपना बनाना चाहता है, और उसके बाद फिर आपको अपना बनाने के बाद, आपको विश्वास में लेने के बाद, आपको कभी ऐसा बोलता है कि आप बाथरूम में जाइए, आप न्यूड हो जाइए, मुझे नहाते हुए दिखाइए, आप अपने इनर वेयर उतारिए, मैं देखना चाहता हूं तुम कैसी दिखती हो, तो इस चीज से ना आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि वो बंदा कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके लिए जी का जंजाल बनने वाला है। जी हाँ, जी का जंजाल बनने वाला है, क्योंकि ऐसे जो केसेस हैं उसके कई सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले भी डाले हुए हैं, जिनमें सिमिलर तरीके का केस हुआ है, और बंगाल से ही केस हुआ है, और बंगाल की ही लड़की ने मुझे फोन करके बताया है कि इस तरीके का केस हुआ है। तो गाइस, जो इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, स्पेशली बंगाल में हो रहे हैं, और बंगाल की लड़कियों के साथ हो रहे हैं, तो बंगाल की जो लड़कियां हैं वो इस तरीके के केस में बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि आज ये आपके साथ प्यार मोहब्बत का इनिशिएट करके, स्टार्टिंग करके आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे फिर आप जब आप न्यूड हो जाएंगी तो आपका एक वीडियो क्लिप बना लेंगे ये, फिर आपके साथ एक तरीके का न्यू वीडियो कॉल का स्कैम हो जाएगा, फिर वही लड़का जो आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छी बातें कर रहा था, फिर वो आपके लिए एक जी का जंजाल बन जाएगा, क्योंकि वो आपको अपने तरीके से यूज करेगा। फिर वो आपको बोलेगा कि तुम अपने घर से पैसे चोरी करो मुझे दो, अपने घर से सोना लाओ मुझे दो, या फिर मेरे लिए, मेरी इच्छा के लिए तुम मेरे दोस्तों के साथ सेक्स करो। जी हाँ, इस तरीके की कोई सी डिमांड वो आपके सामने रख सकता है, और आप डर की वजह से ये काम करने के लिए उतारू हो भी सकती हो। तो स्पेशली लेडीज के लिए मेरी यही एडवाइस है कि कभी भी किसी भी तरीके से इस तरीके का केस आपके साथ होता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, और कभी भी कोई भी लड़का आपको अगर न्यूड होने के लिए बोलता है, चाहे वो आपके स्टार्टिंग में कितनी भी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करे, अपने आप को बहुत एक रेप्यूटेड पर्सन शो करे, एक अपने आप को बहुत एलिगेंट बंदा शो करे, बट आपको कभी भी इस तरह के बातों में नहीं आना है, क्योंकि जो आपके साथ धोखा करेगा वो स्टार्टिंग में अनजान तरीके से आपके सामने बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, सो दैट कि
आप उसके बहकावे में आ जाओ और बाद में उसी बहकावे में वो आपको अपना शिकार बनाए। तो इस तरीके के जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे आपको हमेशा दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि आप इस तरीके के प्यार मोहब्बत वाले लुभाव में अगर आप आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप फंस जाएंगे। और उसके बाद अगर आप ये सोचेंगे कि मैं फांसी लगा लूं, मैं मर जाऊं, मेरी माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, मैं लड़की हूं, मेरे साथ इस तरीके का जो फ्रॉड हो गया है, मैं ज्यादा बदनाम होंगी, एक लड़की पर सबसे ज्यादा लोग उंगलियां उठाते हैं, तो इन सब बातों का फिर कोई भी महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, क्योंकि उस वक्त आदमी बहुत डर जाता है और उस वक्त वो बहुत सारी गलत चीजें ऐसे सोचता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर या मैं कहूं और भी कंट्रीज में जब भी किसी के साथ कभी कोई गलत काम हो जाता है और जब वो सोचता है कि मेरे अगल बगल अब कुछ नहीं रह गया है, तो उस वक्त वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं ये चीज क्यों सुसाइड वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अगर महीने में अगर 300 कॉल भी आते हैं, पर डे अगर मैं 10 कॉल की भी बात करूं एक ऑन एवरेज, तो उन 10 लोगों में जो पर डे मुझे फोन करते हैं उसमें से कम 5 लोग मुझसे जरूर बोलते हैं कि सर मैं फंस गया हूं और मेरा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। मैंने बहुत सारे केसेस का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला भी हुआ है जिन लड़कों ने या लड़कियों ने ये बोला कि अब मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे केस हो चुका है। सो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो देख के कैसा लगा? आप मेरी इन सब बातों से कितना सहमत है कि अगर कोई गलत काम हो जाता है तो हमें उस वक्त हिम्मत रखनी चाहिए या फिर हमें सुसाइड के लिए सोचना चाहिए? तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि उनको इसी तरीके की अपडेट्स मिलते रहें और आप हमेशा मोटिवेट होते रहें। सो गाइस, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।